नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपके यहाँ से सेमेस्टर वाली परीक्षाएं थी दोस्तों, वह आपकी यहाँ से 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को उसी के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वह कब तक रिलीज हो जाएगा और जो आपका टाइम टेबल है वह कब तक रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों परेशान मत होइए, चलिए दोस्तों आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि पेपर में एक कटिंग छपी हुई है कि 270 महाकॉलेजों पर 2.92 करोड़ जुर्माना, 43 हुए डिबार। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता होगा कि बहुत से बच्चों का यहाँ से UFM लगा था, तो उनमें से बहुत से बच्चे यहाँ से डिबार नहीं हुए हैं। उनको कॉलेजों की तरफ से जो आपका यहाँ से एग्ज़ाम फिर से करवाया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ से जो आपके कॉलेज हैं उनको यहाँ से निरस्त कर दिया गया है। बहुत से यहाँ से जो कॉलेज हैं उसको डिबार कर दिया गया है और वहाँ पर जो अब दोबारा यहाँ से एग्ज़ाम भी सेंटर नहीं बनने वाला। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप सभी लोग यहां से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा 270 कॉलेजों पर कार्रवाई फैसला लिया गया। इनमें से 43 कॉलेजों को डिबार और जुर्माने की कार्रवाई की गई है। डिबार किए गए कॉलेजों में 9 जनवरी से शुरू हो रही विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में केंद्र नहीं बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को यहाँ से कंफर्म हो गया होगा कि जो आपकी एग्ज़ाम होने वाले हैं वह 9 जनवरी से ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से परेशान मत होइए, आपका जो एग्ज़ाम यहाँ से होने वाला है 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और ज़्यादा टाइम आप सभी लोग के लिए बचा नहीं है। आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि सर जो हमारा टाइम टेबल है वह कब तक रिलीज होगा। तो दोस्तों जो आपका टाइम टेबल है वह आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में जो आपका टाइम टेबल है वह रिलीज हो जाने वाला है। जैसे ही टाइम टेबल आपका रिलीज होगा सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे और वहां पर आपको जानकारी दे देंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आपको वहां से टाइम टेबल सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बहुत से बच्चों के मन में है कि यहां से एडमिट कार्ड भी कब आएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका एडमिट कार्ड है वह आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम के 3 दिन पहले यहाँ से जो आपका एडमिट कार्ड है वह आपके कॉलेजों में आ जाता है। वहाँ से आपके कॉलेज के जो भी संचालक होते हैं आपको एडमिट कार्ड दे देते हैं। बाकी जो प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं उनका भी 3 से 4 दिन के पहले अपने पोर्टल पर आ जाता है, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आप अपने हाथों से उसको डाउनलोड कर सकते हैं उससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहां पर जाकर देख लीजिए कि आप अपना एडमिट कार्ड खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वह वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब आपका जो भी डाउट था वह क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी एग्जाम होने वाले हैं वह 9 जनवरी से कन्फर्म होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, आपका 9 जनवरी से यहाँ से एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी दोस्तों जो आपका टाइम टेबल है वह टाइम से आ जाएगा। जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ से 29-30 तारीख हो गई है, जल्द ही आपका रिजल्ट यहाँ से आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, आपका जो टाइम टेबल है और जो आपका एडमिट कार्ड है आ जाएगा, वो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट हो कमेंट करना बिल्कुल भूलें। Thanks for watching.